ऑडियो इन ए ग्रेट वीडियो इज नॉट व्हाट यू थिंक। मेनली जो ऑडियो व्यूअर्स को स्टार्ट से लेके एंड तक LSD फील करवाए, वो ऑडियो जो एडिटिंग से तो नहीं मिलता, क्योंकि लोग म्यूजिक और SFX को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि ऑडियो के सबसे बड़े पार्ट को ही भूल जाते हैं। जो लोग नहीं भूलते उन क्रिएटर्स को यूनिक वॉइस मिल जाता है, द नरेशन, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर वीडियो और स्टोरी। अनलेस तुम स्टोरी में सिर्फ नाच रहे हो, नरेशन की स्टाइल ही व्यूअर्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट एग्जैक्टली उसी कारण की वजह से है, जिस कारण से तुम अपने दोस्तों से वर्सेस अपने बाप से वर्सेस उधार मांगते टाइम अलग तरीके से बात करते हो। वो कारण सिंपल इमोशंस है, और उसी को हम हैम्पर कर देते हैं एडिट कर करके, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस में ना चलता है, बट सिनेमैटिक हाई क्वालिटी वीडियोस में आवाज का डेप्थ, बेस, इंटेंसिटी चाहिए ना, और एटलीस्ट वही हम देखते आए हैं बड़े क्रिएटर्स में। अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट ओवर एडिट देयर ऑडियोज, क्योंकि ऑडियो का डायनामिक्स, ऑडियो डायनामिक्स, टोनैलिटी, करेक्ट हाई लो टोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। किसी सेंटेंस का एंड अगर हाई नोट में करोगे ना, तो बोलने वाले की कॉन्फिडेंस बहुत कम लगता है, इनकम्प्लीट सा लगता है, एग्जैक्टली लाइक दिस, वर्सेस सेंटेंस के एंड को डीप नोट पे खत्म करना। वॉइस मॉड्यूलेशंस, जो स्टोरी के हर एक चेंजिंग पार्ट में चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है। हर ग्रेट वीडियोस में कुछ पार्ट अगर चिल्ला के बोलना पड़े बट वो नॉर्मली बोला जाए तो उसमें कनेक्ट नहीं होता इमोशंस। दिक्कत सिर्फ ओवर एडिट करके वॉइस मॉड्यूलेशंस के आदि पुरुष करना ही नहीं, कैप्चर करने के टाइम हजारों फिजिकल रेस्ट्रिक्शन से भी आते हैं। मैं इतने वीडियो में जैसे माइक जिस तरीके से यूज करता हूँ ना, उससे मेरा फिजिकल मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स, सारे इमोशनली कनेक्टेड चीजें अगर अनकंफर्टेबल हो रिकॉर्ड के टाइम, तो फ्लो और मॉड्यूलेशंस कभी नहीं आएंगे। अगर बूम यूज करोगे तो अकेले में मूव नहीं कर सकते, लेवल ईयर में क्वालिटी नहीं आते, जिसे लाने के लिए FX में फिर से FX का ओवरडोज, इमोशंस खत्म। नाउ What if I tell you, ये नरेशन सीक्रेट कभी भी हैम्पर नहीं होगा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी इंटेंसिटी में चाहो अपने नरेशन स्टाइल चेंज कर सकते हो। यप, विदाउट एडिटिंग। अपने ओरिजिनल टोनल हाई लो क्वालिटी में कैसे भी वॉइस मॉड्यूलेशन हो, एग्जैक्ट कैप्चर होता है इससे। ये 8 डायल देख रहे हो, ये करेगा तुम्हारा 80% एडिट। वर्ल्ड्स फर्स्ट 8 डायल सिलेक्टेबल ऑडियो रिकॉर्डिंग मोड्स। और ये शॉटगन माइक एक्चुअली इतना कॉम्पैक्ट है, जब इन्होंने मुझे टेस्ट के लिए भेजा तो मुझे लगा ही नहीं था ये खत्म कर देगा मेरा सबसे मुश्किल लड़ाई। शार्प क्वालिटी किसी भी एंगल से, चाहे तुम कैमरा की सामने हो, पीछे हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, माइक सिर्फ उसी एरिया की आवाज को पिकअप करेगा। 4 कैप्सूल्स की पावर से। कितना हाई क्वालिटी? वेल, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से कैप्चर कर सकता है, वर्सेस जो एनालॉग सिस्टम होता है जहाँ पे अलग से कन्वर्शन टाइम लगता है एनालॉग टू डिजिटली कैमरा में सिंक करने के लिए। दैट्स व्हाई डायरेक्ट 1624 बिट का रॉ ऑडियो, बस हॉट शू के साथ कनेक्ट करना है, सिंपल। बोला था ना 80% एडिट यही डायल कर देगा, इसीलिए अल्ट्रा एंड सुपर डायरेक्शनल मोड्स आर इनफ फॉर एनी क्रिएटर्स जिनको वॉइस मॉड्यूलेशन सोचने से पहले घर वालों को अरे चुप करो बोलना पड़ता है, क्योंकि ऑडियो पिकअप सिर्फ उसी डायरेक्शन से होगा। ऐसे 8 डायरेक्शनल मोड्स हैं विद ऑब्वियसली स्टेरियो ऑप्शन। ओवर एडिट बोल रहा था ना, अच्छा ये बताओ, सच में बताओ कि कितना टाइम देते हो SFX को ढूंढ के, फिर उसको सेट करके बी रोल्स में बिठाने के लिए, ताकि वो रियल लगे, रील्स नहीं। ओमनी डायरेक्शनल मोड, बी रोल्स को लेते टाइम ही लाइव एम्बियंस को कैप्चर। बाकी 20% एडिट करेगा ये बैकग्राउंड नॉइस को। एडिटिंग में नॉइज रिडक्शन ना एक्चुअली 80% ऑफ द टाइम गले का टोन ऊपर नीचे चीजों को नॉर्मलाइज, फ्लैट कर देता है, खुद के रियल आवाज को दबा देता है, स्कूल सिस्टम्स की तरह। नॉट हियर। और क्योंकि गेन कंट्रोल के साथ सेंसिटिविटी भी कंट्रोल होगा, तो तुम्हें जो मिलेगा वो होगा। एडिट करने का टाइम, बार बार सेटअप करने का टाइम, क्लैपिंग्स करने का टाइम, कैरी करने का टाइम। अब चाहे तुम धीरे बोलो, हंसो, उल्टी सीधी आवाजें करो या चिल्लाओ, एडिट में गलत बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वॉइस मॉड्यूलेशन से नहीं रहा नरेशन में, इमोशन सुनाई नहीं दे रहा बोलते टाइम, तो
एडिट में झोल झाल करके क्वालिटी ला सकते हो बट कनेक्शन नहीं। बिलीव मी, कैमरा अपडेट का सोचते हो ना, लेंस अपग्रेड, वैसे ही ऑडियो अपडेट या अपग्रेड करते टाइम सिर्फ क्वालिटी के बारे में मत सोचना। हर एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना, हर यूज के सिनेरियोस, तुम्हारे प्रायोरिटी, टाइम, ट्रैवलिंग सेटअप, हर जगह यूज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये श्योर है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होगा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉन्टेंट जर्नी में। और लकी हुए तो सोनी तुम्हें गिफ्ट भी कर सकता है। गिफ्ट नहीं, रिटर्न। बट ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज डू नॉट ओवर एडिट द ऑडियो। अगर तुम सच में खुद की वॉइस पहुंचाना चाहते हो, किसी और की नहीं।